top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businessmen. Big Tech, excellence with values. अनोखा जी, आज सुपरटेक में एक छत गिरी है जिसमें एक बच्चा मरते मरते बचा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, A1 टावर है सुपरटेक इकोबुलेंस बन रहे हैं नोएडा एक्सचेंज। मेरे पास जिनका ये फ्लैट है उनका तो मैसेज आया और मैं तो देख के हैरान रह गया। उन्होंने सारे फोटोग्राफ हमको भेजे, उसमें उन्होंने बताया कि मेरा बच्चा वहाँ पर सो रहा था और बच्चे ने वहाँ करवट लिया। अगर करवट नहीं लेता तो उन्होंने जो फोटोग्राफ भेजे उसमें 3 इंच का मोटा लेंटर है और वो गिरा है। तो वो अगर बच्चे के ऊपर गिर जाता तो इसमें बच्चे का बचवाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि बहुत मोटा पत्थर है और काफ़ी बड़ा एरिया जो है वो छत का टूट के गिरा हुआ है। तो हमने ये निफोमा एसोसिएशन हमारी मांग करती है प्रशासन से और योगी जी सरकार से कि जितने भी बिल्डर हैं यहाँ पर उनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की जांच कराई जाए, क्योंकि ये जो मामला है वो सीधे सीधे बिल्डर बायर की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जहाँ पर लाखों फ्लैट बायर रहेंगे आगे आके। और ऐसा नहीं है कि ये 10 साल बिल्डिंग होगी या 20 साल बिल्डिंग होगी तो ये मान लें कि उसकी डेंसिटी ख़त्म हो रही है, उसकी कंस्ट्रक्शन की जो सीमेंट की म्याद है वो ख़त्म हो रही है, इस वजह से वो सीमेंट छोड़ दिया है। ये तो बिल्डिंग अभी तैयार हुई है और अभी मुश्किल से 2-4 महीने हुए होंगे पोजीशन को मिले हुए, और अभी से ये गिरना चालू हो गई हैं छतें इनकी किसी का। और आए दिन ऐसा नहीं है एक बिल्डर के यहाँ है एक प्रोजेक्ट में, आए दिन किसी ना किसी बिल्डर के यहाँ ये हादसा होता रहता है। तो इसमें सरकार को चाहिए अथॉरिटी एक रिप्रेजेंटेटिव अपना बना के भेजे किसी इंजीनियर को, और वो सारे ही जितने भी बिल्डर्स के प्रोजेक्ट हैं वहाँ ये जांच कराए कि क्या उन्होंने सरिया लगाया है, क्या उन्होंने सीमेंट लगाया है, इसकी लैब में टेस्ट कराएं कि और इसका कितनी लाइफ है। तो ये सरकार को कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें सीधा सीधा बायर्स का हित जुड़ा हुआ है, बायर्स